और गैनिक कैसे हो सारे के सारे। दोस्तों, हम अपने चेहरे पर कई सारे फेयरनेस क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में साइड इफेक्ट्स को भी भोगते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम क्रीमों का इस्तेमाल दूसरों के कहने पर करते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हमें खुद को भोगने पड़ते हैं। जब आप किसी यूट्यूबर की बात सुनकर इन क्रीमों का इस्तेमाल, इन केमिकल भरे क्रीमों का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हो और फिर जब आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो शायद ही कोई आपकी मदद करने के लिए आता होगा, क्योंकि उनका काम तो हो चुका होता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको मात्र 10 रुपये की एक ऐसी गोली बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर भी एक क्रीम होती है, और उसका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को फेयर, फ्लॉलेस और ग्लोइंग तो बना ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने स्किन को ठीक भी कर सकते हो। और इसके बदले मुझे आपका कोई लाइक, शेयर या सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ विटामिन ई पिल्स के बारे में। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इसके ऊपर तो यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस मौजूद है, लेकिन दोस्तों किसी भी वीडियो में किसी ने डॉक्टर रिकमेंडेशन की बात नहीं की है, किसी ने इसका स्किन साइंस एक्सप्लेन नहीं किया है और किसी ने ये भी नहीं बताया है कि कैसे आपको इसे सही से लगाना है। लेकिन आज मैं एज अ डॉक्टर आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इसे सही से लगाकर अपने चेहरे को चमका सकते हैं। देखो दोस्तों, हम प्रतिदिन फेयरनेस क्रीम के पीछे दौड़ते हैं। फेयरनेस क्रीम बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ये जो स्ट्रिप है ये सिर्फ 10 रुपये की आती है, और आपके 50 फेयरनेस क्रीम मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते जो ये पिल्स कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे सही से लगाओगे तो यकीन मानो, जो लोग आपको रोज़ देखते हो उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप लगाते क्या हो, कौन सी है वो महंगी क्रीम। लेकिन इनकी कीमत है सिर्फ 10 रुपये। बदले में यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, और अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आती है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया है, वहाँ पर आके भी आप मुझसे फ्री में पर्सनली अपने स्किन के बारे में पूछ सकते हो। तो यार सुनो, ये जो विटामिन ई की पिल्स होती है ना, इनके अंदर बहुत सारा विटामिन होता है, जैसे कि नाम में ही है। अब विटामिन की आवश्यकता हमारे स्किन को आखिर क्यों पड़ती है? वैसे तो कई विटामिन्स की आवश्यकता हमारे स्किन को पड़ती है, लेकिन जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं वो होता है विटामिन सी और विटामिन ई। अब हमारे चेहरे के ऊपर छोटे छोटे ओपन पोर्स होते हैं, जब हम इनका सही से इस्तेमाल अपने स्किन के ऊपर करते हैं तब क्या होता है कि ये जो विटामिन ई है ये हमारे स्किन के अंदर चला जाता है। अब विटामिन ई अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये एंटीऑक्सीडेंट किस बला का नाम है, तो आप इसे इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आपके चेहरे पर धूल मिट्टी आ जाती है, तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने की वजह से क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर के जो सेल्स है वो ठीक से उन बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाते, जिसके वजह से आपके स्किन का ग्लो चला जाता है, आपके स्किन की शाइन चली जाती है, आपका स्किन डल हो जाता है और आपके चेहरे पर का जो गोरापन है वो भी एकदम से कम हो जाता है। तो ऐसे में आपकी मदद कर सकते हैं ये विटामिन ई के पिल्स। बहुत ही जादुई होते हैं ये, और बहुत ही अच्छे से आपके चेहरे पर ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही से लगाते हो तब भी। अब देखो दोस्तों, आप में से कई लोग फेयरनेस क्रीमों का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते होंगे, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी फेयरनेस क्रीम आप बंद कर दो, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने फेयरनेस क्रीम के अंदर इन पिल्स को मिला लीजिए। आपको क्या करना है, कैंची से इसको कट करना है, इसके अंदर से एक ऑयल निकलता है, वो ऑयल आपको आपके क्रीम में, फेयरनेस क्रीम में, SPF क्रीम में, मॉइस्चराइजर में, किधर भी आपको क्या करना है, इसको मिला लेना है। इसको मिलाकर जब आप लगाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, रोज़ आपके चेहरे को नरिशमेंट मिलेगा विटामिन ई का। रोज़ जब आपके चेहरे को विटामिन ई का नरिशमेंट मिलेगा तो आपकी स्किन अपने आप ही खुलने लगेगी, आपकी स्किन अपने आप ही फूलने लगेगी। और उससे भी ज़रूरी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनको काट कर रात को सोने से पहले डायरेक्टली भी अपने स्किन के ऊपर लगाते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप रात भर इसे अपने स्किन पर रहने दे सकते हो और आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सुबह होकर आप अपने दिनचर्या को फॉलो कर सकते हो। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार हम इसका इस्तेमाल क्यों करें, तो सबसे पहली बात, ये सिर्फ 10 रुपये के आते हैं। दूसरी बात, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स वाले क्रीमों के लिए आप इतना सारा पैसा खर्चा करते हो, तो क्या आप इन छोटी सी गोलियों के लिए मात्र 10 रुपये नहीं खर्चा कर सकते? मैं आप सभी लोगों को यही सुझाव दूंगा कि मेरे बताए तरीके से आप इसको खरीदिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए,
और इसके जो बेनिफिट्स है उसका फायदा लीजिए। आप आपका जो फेयरनेस क्रीम है उसको भी भूल जाओगे, या फिर अगर आप जानते हो कि आप एक बहुत अच्छी फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करते हो और आप चाहते हो कि आपको उस फेयरनेस क्रीम की पावर बढ़ानी है, तो आप उसके अंदर सिंपली इसको काट कर डाल दीजिए और आप उसके बाद में क्या कीजिए कि इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कि आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जब आप फेस वॉश कर लेते हो, उसके बाद में आपको अपने चेहरे के ऊपर, गीले ही चेहरे के ऊपर इसको लगा लेना है, और इसको लगाने के बाद में आपको अपने चेहरे पर से आइस को घुमाना है। आइस को आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, आपको क्या करना है, आइस को एक कॉटन के रुमाल में लेना है। अगर आप डायरेक्टली आइस लेते हो तो आपके जो स्किन सेल्स है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, कॉटन के रुमाल में आपको आइस ले लेना है। और फिर गीले चेहरे के ऊपर जब आपने विटामिन ई के अंदर का ऑयल अपने चेहरे पर लगाया होगा, तब आपको अपने चेहरे की राउंड एंड राउंड मसाज करनी है। ऐसा मसाज करने से आपके चेहरे का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये एकदम से बढ़ेगा और आपकी स्किन दिन प्रतिदिन फ्लॉलेस और ग्लोइंग होते जाएंगी। अगर आपका जो स्किन शेड है ये काफ़ी ख़राब हो गया है या फिर आपके चेहरे पर किसी भी क्रीम के साइड इफ़ेक्ट आप भोग रहे हो, तो ऐसे में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हो, आप इस पिल्स को इस्तेमाल करते हो। उसके बाद में सबसे ज़रूरी बात, ये क्या करता है, चेहरे से रेडनेस को तो रिड्यूस करता ही है, लेकिन अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, विंटर्स में कई लोगों के चेहरे पर सफ़ेद कलर की फाइन लाइंस देखने के लिए मिलती है जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। अगर आपके चेहरे पर एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, झाइयाँ हैं, मार्क्स हैं, तो इन सारे चीज़ों से लड़ने का काम ये पिल्स अपने आप में अकेले ही करती है और इसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपये। दोस्तों अक्सर हमें जो चीज़ें हमारे पास में होती है वो कम नज़र आती है और जो ज़्यादा दूर होती है वो ज़्यादा नज़र आती है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को यही सुझाव दूंगा कि ये सस्ती चीज़ है, इसको एक बार ट्राई करके देखिए और रिजल्ट नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आके आप मुझे बता सकते हो कि मेरे स्किन का ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, आपने आपके वीडियो में झूठ बताया। आज मैं आपसे कोई लाइक, कोई शेयर, कोई सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आपसे ये विनती विशेष कर रहा हूँ कि अपने स्किन केयर रूटीन में आप बस मात्र 7 दिन के लिए ट्राई कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने किया कहा इसलिए आप हर दिन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगले 7 दिनों के लिए आज से आप इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करना स्टार्ट करो और रिजल्ट देखकर आप खुद चौंक जाओगे। एक आखिरी तरीका आपको बताऊंगा इसको लगाने का। आपको क्या करना है कि जो भी फेयरनेस क्रीम या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र आप सुबह उठते ही अपने चेहरे पर लगाते हो, नाइट क्रीम में नहीं, बस सुबह के टाइम में इसको लगाना है। और अगर आप SPF वाली क्रीम यूज़ करते हो, कोई भी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर वाली अगर आपके पास में क्रीम है, तो उसके अंदर भी आप इसको मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हो। जब आप ऐसा करते हो और धूप में जाते हो, बाहर जाते हो, तो आपके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाएगी दोस्तों, जिसके वजह से आपका चेहरा ना ही ख़राब होगा, ना ही रूखा सूखा होगा और ना ही बाहर का एटमॉस्फेयर आपके चेहरे को अफेक्ट कर पाएगा। इसलिए ये पिल्स बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, मात्र 10 रुपये की। किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर आपको ये कहना है कि विटामिन ई की इवॉन 400 की पिल्स दीजिए, वो आपको दे देंगे, सस्ते में एकदम बेस्ट है और आपको इसका इस्तेमाल करना है। बाकी यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे कर दीजिए माफ़।